कटे फटे नोट कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन हर व्यक्ति के पास ऐसे नोट धोखे से ही सही लेकिन जरूर आ जाते हैं। कई बार फटे पुराने कटे या गले नोट दुकानदार ही पकड़ा देते हैं। ऐसे नोट मिलने के बाद सबसे पहले यही सवाल आता है कि ये नोट कहाँ बदलें। इसके लिए सबसे पहला विकल्प तो ये है कि बैंक जाकर फटे हुए नोटों को बदला जाए। बैंक में बिल्कुल फ्री में ये नोट बदल दिए जाएंगे। लेकिन यदि आप इन नोटों को बैंक में जाकर नहीं बदल पा रहे हैं, तो इसके अलावा भी रिवर्स शहर में ऐसे कई ऑप्शन हैं जहां आप कटे फटे नोटों को बदल सकते हैं। हाँ, नोट बदलने वाले दुकानदारों के पास जाकर कुछ कमीशन जरूर देना होगा। एक बड़ा पॉइंट तो शहर के अमहैया गल्ला मंडी रोड में है। अमहैया गल्ला मंडी रोड में श्रीनिवास गुप्ता कटे फटे व गले व पुराने नोटों का बदलने का काम करते हैं। रीवा के मैया गल्ला मंडी के अलावा शहर के धुविया टंकी स्थित एक दुकान में भी नोटों को बदला जा सकता है। धुविया टंकी स्थित अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस में भी कटे फटे पुराने नोटों को बदला जाता है। व्यापारी श्रीनिवास गुप्ता ने बताया कि बचपन के दिनों से ही जब जेब में नोट फट जाया करता था, तो मेरे मन में एक ख्याल आता था कि कटे फटे पुराने नोटों को बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज लगभग पूरे जिले से लोग हमारे पास कटे फटे पुराने नोटों को बदलने के लिए आते हैं। कम से कम कमीशन काटकर मैं उन्हें अच्छे नोट लौटा देता हूँ। बैंक में भी आप नोटों को बदल सकते हैं। ऐसा करने से बैंक मना भी नहीं कर सकता, लेकिन बैंक में भीड़ होने की स्थिति में बैंक कर्मी कई ग्राहकों को सेवाएं दे रहे होते हैं। ऐसे में बैंक में अपने नोटों को बदलने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन बैंक में आवेदन करने पर बिल्कुल फ्री में आपके कटे फटे पुराने नोट बदल जाएंगे। सोल्यूशन यही था कि बचपन में हमको नोट अगर कभी फट जाया करती थी तो बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, मतलब कहीं भी जाए तो उसको वो लोग लेना और काफी दिक्कतें होती थी। वही सोचा कि काफी दिन से लोग परेशान भी होते थे इस चीज को लेकर कि कहाँ से निकल क्या हो कैसे हो, और बैंक में जाए तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। तो मेरे को लगा लोगों ने काफी दिक्कतें हो गई थी, इसलिए मैंने कटे फटे नोट का काम में स्टार्ट किया। लोगों को जानकारी दी कि हाँ हमारे यहाँ कटे फटे नोट बदले जाते हैं, तो और उनकी दुविधा जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए, इसके वजह से मैंने कटे फटे नोट का काम किया। आज वाले कृपा से सब लोग सेवा का मौका दे रहे हैं, रिस्पांस अच्छा है, लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी मोटी परेशानी तो होती है और नोट फट जाना एक छोटी परेशानी, क्योंकि आदमी का सर वो नोट लेके काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको मिलता नहीं सोल्यूशन की भैया मैं क्या करूँ, और बड़ी मेहनत की कमाई होती है, बड़ा दुख होता है। जी बिल्कुल, उनको बड़ी मेहनत की कमाई होती है और बड़ा दुख भी होता है, क्योंकि नोट फट गया है उसको लोग बोलते हैं भैया नहीं आता काम नहीं थोड़ा अजीब से लगता है, इसलिए हमने उसका भीड़ा उठाया, लोगों को सुविधा दे रहे हैं। फट जाएगा तो आपसे? जी बिल्कुल, आपको 500 का नोट है, 200, 100 का कोई भी नोट होगी सारी चेंज आते हैं, पुराने सिक्के होंगे वो भी चेंज आएंगे आपके, और नए सिक्के भी होंगे वो भी चेंज कर देते हैं।